कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए का भुगतान किया जाए। वहीं पत्र को लेकर मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इसको सीएम कमलनाथ मध्य प्रदेश में जल्द लागू करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में सरकार बनती और नाथूराम गोडसे भक्त सरकार में नहीं आते तो अब तक गर्भवती महिलाओं को हर महीने 6,000 रुपए मिलने लगते। सोनिया गांधी जी ने जो पहल की है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए देंगे और केवल एक इशू तक नहीं, दो इशू तक देंगे, यह है उस योजना के तहत। तो इसलिए मैं सोनिया गांधी जी का स्वागत करता हूं और बहुत जल्दी हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इसको लागू करेंगे। देखिए, अगर सरकार दिल्ली में बन जाती और ये नाथूराम गोडसे भक्त नहीं आते सरकार में, तो 6,000 रुपये प्रति महिला देने की जो कांग्रेस की नीति थी वो लागू हो जाती। तो ये दुर्भाग्य है हम सबका कि ये नहीं हो पाया। हमारी सरकार 16,000 रुपया मध्य प्रदेश की देती थी। हमारी सरकार ने हमारी गर्भवती बहनों के लिए, बेटियों के लिए इस योजना के साथ साथ प्रसव अवकाश भी रखा था कि जब प्रसव उसको होता है और आखिरी में तो हमने उसके पति को भी 15 दिन का अवकाश स्वीकृत किया था। लेकिन ये सरकार वास्तव में इन्होंने आई है उस दिन से आज तक इस मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, ना मातृशक्ति के लिए कुछ किया, ना किसान को किया, ना गरीब को किया, ना नौजवान को किया। बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरा एक सवाल और है कि अगर उनकी चिट्ठी पर ये देते हैं मातृ वंदना योजना के नाम पर या जिस पर भी, तो ये बताएं क्या वो केंद्र से राशि 5,000 आ रही है वो देंगे या ये अपनी ओर से 6,000 राज्य सरकार की ओर से देंगे, ये स्पष्ट करें। मेरा मानना है कि ये केंद्र की ही राशि को परिवर्तित करेंगे।